सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ के बारे में। मीडियाटेक ने डायमेंसिटी सीरीज के 2 5G प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। सबसे पहले रियलमी स्मार्टफोन में इन प्रोसेसर की झलक मिल सकती है। मीडियाटेक ने डायमेंसिटी सीरीज के 2 नए 5G प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। इनमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 और डायमेंसिटी 1100 5G शामिल हैं। इन दोनों प्रोसेसर को 6 नैनोमीटर प्रोसेस पर तैयार किया गया है। मीडियाटेक का दावा है कि इन दोनों प्रोसेसर के साथ बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शानदार कैमरा और दमदार मल्टीमीडिया फीचर्स मिलेंगे। फिलहाल शाओमी, वीवो, ओप्पो और रियलमी जैसी कंपनियां मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के तहत स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों नए चिपसेट के साथ रियलमी सबसे पहले अपने स्मार्टफोन बाजार में उतारेगी। 4 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ इनबेस बूम प्लस वायरलेस स्पीकर इंडिया में हुआ लॉन्च। भारत की प्रमुख गैजेट, एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इनबेस ने अपना नया ब्लूटूथ स्पीकर बूम प्लस इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इस स्पीकर में हाई सेंसिटिव ड्राइवर्स दिए गए हैं जो शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा यूजर्स को स्पीकर में ट्रू वायरलेस कनेक्शन फीचर मिलेगा। इनबेस बूम प्लस स्पीकर की प्राइस 1499 रखी गई है और यह स्पीकर स्प्लैशी रेड, मेटालिक ग्रे, ओलाइव ग्रीन और पैसिफिक ब्लू कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। इस स्पीकर को रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकता है। बूम प्लस वायरलेस स्पीकर में पावर और वॉल्यूम बटन से लेकर बिल्ट इन माइक्रोफोन तक दिया गया है। इसके अलावा यूजर्स को वायरलेस स्पीकर में दमदार बैटरी मिलेगी जो सिंगल चार्ज में 4 आवर्स का बैकअप देती है। 128 GB स्टोरेज और 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ वीवो Y31 इंडिया में हुआ लॉन्च। वीवो इंडिया ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो Y31 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। वीवो Y31 को इंडिया में 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। स्टोरेज को मेमोरी कार्ड से 1 TB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। वीवो Y31 की प्राइस 16,490 रखी गई है और फोन की सेल रेसिंग ब्लैक और ओशियन ब्लू कलर वेरिएंट में ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से होगी। Vivo Y31 के फीचर्स की बात करें तो फोन में 6.58 इंच की फुल HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 2408p x 1080p दिया गया है। इस फोन में स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर दिया गया है, 6 GB रैम दी गई है और 128 GB स्टोरेज दी गई है। कैमरा फीचर्स में इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का और तीसरा लेंस भी 2 मेगापिक्सल का है। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वीवो Y31 स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और इस फोन की बॉडी प्लास्टिक की है और इसका वेट 188 ग्राम है। व्हाट्सएप ने कहा कि प्राइवेसी मामले पर भारत सरकार के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार। भारत सरकार द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी में बदलावों को वापस लेने के लिए कहने के एक दिन बाद व्हाट्सएप ने कहा है कि प्रस्तावित बदलावों से फेसबुक के साथ डाटा साझा करने की उसकी क्षमता में वृद्धि नहीं होगी। वह इस मुद्दे पर किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। भारत सरकार ने कल व्हाट्सएप द्वारा सेवा और गोपनीयता नीति की शर्तों में बदलावों पर 14 सवाल पूछे थे जिसके जवाब में व्हाट्सएप ने ये कहा है। तो टेक सीरीज़ की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।